वेलकम टू चैनल आदिव क्लासेस। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से आपके बच्चों की भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही होगी। तो अगर आपका बच्चा यूकेजी में है और आपको सिलेबस टूट रहे हैं कि सिलेबस आपको मिल जाए हिंदी का, तो आप उससे बच्चों को पढ़ा सकें, तो शायद इस वीडियो को देख के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो देखिए, हम टर्म वाइज यूकेजी का हिंदी सिलेबस 2019 और 20 का लेकर के आए हैं, तो शायद ये आपके लिए यूज़फुल रहे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे फर्स्ट टर्म में हमारे यूकेजी के एक बच्चे को क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो देखिए, छोटा अ से लेकर, यानी मात्राएं अ से लेकर के उ तक, बड़ा उ तक, छोटा अ से लेकर के बड़ा उ तक की मात्राएं बताई जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आपका बच्चा नर्सरी में होगा तो उसको अक्षर बता दिए गए होंगे, अक्षरों का की पहचान उसको हो गई होगी। तो अक्षरों के बाद जो है आती हैं हमारी मात्राएँ। तो जब अक्षर बच्चा जान जाता है तो उनसे बनने वाली मात्राएँ उसको बताई जाती हैं। तो आ से लेकर के बड़ा उ तक की मात्रा बच्चे को पढ़ाई जाती है यूकेजी में। फिर चित्र देखकर नाम लिखो, यह आपका एक टॉपिक होता है हमारे यूकेजी के बच्चे का, कि कुछ चित्र बना दिए जाते हैं, जैसे कि एप्पल और मैंगो एंड अम्ब्रेला, कुछ भी बना दिया गया और उसको नाम लिखना है कि हाँ ये सेब है, ये केला है, ये आम है। तो बच्चा अक्षरों को, यानी कि चित्रों को देख करके उनके नाम लिख पा रहा है कि नहीं, ये चीज़ पढ़ाई जाती है। और उसके बाद उसका टेस्ट भी मैम लोग लेती हैं। तो ये टॉपिक होता है। फिर खाली जगह भरो, वो अक्षरों की भी हो सकती है, शब्दों की भी हो सकती है, जैसे क के बाद क्या आएगा, ख के बाद क्या आएगा, और अ में कौन सी मात्रा लगेगी, तो मात्राओं की भी हो सकती है। तो इस तरह से खाली जगह भरो। फिर विलोम शब्द, जैसा कि आप जानते हैं विलोम शब्द, अगर आपको ये टॉपिक भी चाहिए तो हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, उस पर आपको मिल जाएंगे विलोम शब्द। वाक्य बनाओ, हमने इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के अदर वीडियोस में देख सकते हैं, आपको ये भी मिल जाएगा। फिर नाम लिखो, जैसे कि रंगों के नाम, अंगों के नाम, फलों के नाम, फूलों के नाम और सब्जियों के नाम, इस तरह से रंग नाम लिखने को आता है। तो ये भी हमने अवेलेबल कराए हैं हमारे चैनल पे, आपको मिल जाएंगे, फलों के नाम मिल जाएंगे, रंगों के नाम, फूलों के नाम, सब्जियों के नाम। तो ये सब आपको हमारे चैनल के और वीडियोस में आप जाकर के देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, आप अपने बच्चे को इजीली उससे पढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट टर्म में इतना बच्चे को पढ़ाया जाता है, मात्राएँ और छोटा आ से लेकर बड़ा उ तक, चित्र देख कर नाम लिखो, खाली जगह भरो, विलोम शब्द, वाक्य बनाओ, रंगों के नाम, अंगों के नाम, फलों के नाम, फूलों के नाम, सब्जियों के नाम, और इमला डिक्टेशन, यानी कि कुछ बोले जाते हैं, जैसे काला कल, माला मल, जाला जल, कमल नमन, तो इस तरह से ये कुछ इमला बोले जाते हैं, जैसे कि बच्चे एक एक शब्द अक्षर को जोड़ करके शब्द बनाना सीखें। तो ये हमारा हुआ यूकेजी के बच्चे का फर्स्ट टर्म का सिलेबस। फिर देखिए सेकंड टर्म में उसको क्या पढ़ाया जाता है, मात्राएं जो कि हम अभी तक उसको बताई गई, छोटा अ से लेकर के बड़ा उ तक, अब री से लेकर के अहा तक, तो री से लेकर के अहा तक मात्राएं बताई जाती हैं। फिर चित्र देखकर नाम लिखो, वही टॉपिक है, उसी को रिवाइज करके और आगे बढ़ा दिया जाता है। तो चित्र देखकर नाम लिखो, फिर खाली जगह भरो, फिर विलोम शब्द, एक व अनेक, यानी विलोम शब्द और एक व अनेक अलग अलग टॉपिक है, तो विलोम शब्द पहले आप उसको पढ़ा सकते हैं, फिर एक और अनेक करके कि किताब किताब किताबें और कमल कलम कलमें और इस तरह से, तो आपको ये टॉपिक इजीली मिल जाएगा, फाइंड आउट आप कर लेंगे। तो ये भी आपको मोस्टली ये ज़्यादातर टॉपिक हमारे वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, तो उससे आप सर्च करके देख सकते हैं। फिर वाक्य बनाओ और नाम लिखो, जानवरों के नाम, कपड़ों के नाम, पक्षियों के नाम, शहरों के नाम, नदियों के नाम, ये सब नाम लिखने को आते हैं बच्चे के। फिर इमला, इमला बोला जाता है बच्चे को। तो इस तरह से सेकंड टर्म में देखिए, री से लेकर अहा तक की मात्राएं, चित्र देखकर नाम लिखो, खाली जगह भरो, विलोम शब्द, एक व अनेक, वाक्य बनाओ, नाम लिखो, जानवरों, कपड़ों, पक्षियों, शहरों, नदियों का। ओके, तो ये हुआ हमारा सेकेंड टर्म। फिर देखिए फाइनल टर्म आता है, मात्राएं आ से लेकर के अहा तक, फिर खाली जगह भरो, प्रश्न उत्तर। अब लास्ट में आप बच्चे को प्रश्न उत्तर लिखना भी सिखाने जाने लगा है, कि जो है देखिए कुछ भी छोटे छोटे शब्द जो होते हैं, कि हाँ हमारा नाम क्या है, या हमारे स्कूल का नाम क्या है, हमारे टीचर का नाम क्या है, या फिर हमारे देश का झंडे का नाम, झंडे में कितने कलर होते हैं,
यह हमारे देश का जो है हमारा कमल जो है, जो राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा होता है, कमल होता है। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस बना करके बच्चों को बताया जाने लगा होता है, जिससे कि इस तरह से क्वेश्चंस बना करके बताएंगे तो उनको प्रश्न उत्तर पढ़ने की और उसकी प्रैक्टिस होगी। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न और छोटे छोटे उत्तर उसके एक एक शब्द के, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, एक एक शब्द के प्रश्नों के उत्तर उनको बताए जाते हैं। फिर सही शब्द पर गोला लगाओ, जो शब्द सही है उस पर गोला लगाओ। कुछ चित्र बना दिए जाते हैं और उसके नीचे शब्द लिखे जाते हैं, तो जो उस चित्र से मैच करता है उस पर उनको गोला लगाना होता है। तो इस तरह से ये टॉपिक्स हमारे UKG के बच्चे को पढ़ाए जाते हैं हिंदी में। तो शायद आपको इससे काफ़ी हेल्प मिले, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, नहीं फाइनल टर्म, उसके बाद बच्चे का एग्ज़ाम होता है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।